फ्रेंड्स चाय और कुकीज साथ साथ आप और हम फ्रेंड्स फॉर यू कुकीज। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली श्योर आप सब बेहद अच्छे होंगे। दोस्तों साथियों, मैं आपके अपने दोस्त साथी पायुषा, आप सब मेरा अपना भारत परिवार, आज मैं आपसे अपने दिल से अपने मन से कुछ शेयर कर रही हूँ फोटोग्राफ्स जो मेरे कुछ एल्बम में थे और जो कुछ मेरे फोन में सेव थे। सोच रही हूँ इन चीजों को आपके साथ शेयर करूँ। मैं तो अक्सर देखती रहती हूँ तो सोचा जब हर बात आपको बताती हूँ, अक्सर वो बातें जो मेरे जीवन में चल रही होती हैं, मेरी सोच में, मेरे विचारों में, या मुझे लगता है कि आपसे चर्चा के माध्यम से आपसे अपनी बातें करूं, तो क्यों ना ये फोटोग्राफ भी अपनी कुछ यादों को आपके लाइफ में, अपनी लाइफ की यादें शेयर कर रही हूँ। कुछ फोटोग्राफ्स आप भी देखिए जो मेरे कुछ वो लम्हे हैं जो कभी कभी मैं खुद ही क्लिक करती रहती हूँ अपने मोबाइल से, अपने फोन से। बस जिंदगी का यही तो फन है, यही तो वो बातें हैं जो हम और आप चर्चा के माध्यम से बस आमने सामने होते तो फोन से आपको दिखाते। मुझे अच्छा लगता है फोटोग्राफ्स क्लिक करना, एक अच्छी यादें होती हैं, है ना? वो लम्हों को हम याद कर सकते हैं, उन लम्हों की हम बातें कर सकते हैं, लेकिन जब फोटोग्राफ्स होते हैं तो हमें हर वो बात याद और ताजा हो जाती है, हमारे मन को फ्रेश कर जाती है कि ये फोटो हमने कब खींचा था और उस समय क्या हो रहा था। ये जो मेमोरीज है ना फोटोग्राफ की, पूरी एक कहानी होती है। इन फोटो को देखकर वो सारी कहानी हमारे माइंड में, हमारी यादों में, हमारी लाइफ में फिर से तरोताजा हो जाती है। और बताइए दोस्तों, आप लोगों को भी तो अपने मोबाइल में, अपने एल्बम में फैमिली फ्रेंड्स के साथ या अपने कुछ क्लिक किए हुए फोटो अक्सर देखना अच्छा तो लगता ही होगा। मन फ्रेश हो जाता है और दिल भी खुश हो जाता है। साथियों, मैं एक दिन अपने मम्मी पापा, अपनी कुछ यादों को भी आपके साथ शेयर करूंगी। उन फोटोओं को आपके सामने मैं फिर से लेकर आऊंगी। मोबाइल से पहले मैं उन फोटोओं के साथ एक एल्बम क्रिएट कर लूं। ये कितनी अच्छी बात होती है कि हम इधर उधर ना जाने कितनी दूर रह रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के साथ, नज़दीकी के साथ जुड़े रहते हैं। हमारा और आपका ये रिश्ता दिल का रिश्ता है, मन से है और हमेशा जुड़ा रहेगा। बस यही सोचकर कि जब हमारी और आपकी दोस्ती हो ही चुकी है तो क्यों ना मैं अपने कुछ फ़ोटोज़ भी शेयर करूं। मैं अपने कुछ और भी यादों को आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। आप लोग भी अपने फ़ोटोज़, अपनी मेमोरीज़, अपनी बातें मुझसे शेयर करा करिए प्लीज़ फ्रेंड्स। अच्छा लगता है जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं, रिश्ते भी मजबूत होते हैं। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करिए, अपनी बातों को, अपनी फ़ोटोज़ को शेयर करिए मेरे साथ। और हाँ, ये तभी हो सकता है जब आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करते रहिए मेरी वो बातें जो आपको अच्छी लगें, और कमेंट्स और शेयर भी ज़रूर करते रहा करिए। हमारा ये रिश्ता मजबूती का बहुत लंबा चलने वाला है। मैंने तो कई बार कहा है साथियों, आप लोगों से मेरी आखिरी सांसों तक का रिश्ता। बस यही वो बातें हैं, यही वो यादें हैं और वही दिल की चाहतें जो मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। आप लोग भी कुछ बताइए ना, अपनी मेमोरीज़, अपने फ़ोटोज़, अपनी दिल की बात, अपने मन की बात मुझे कमेंट्स ज़रूर करिए। और भी कहना चाहती हूँ आप लोगों को, थैंक यू सो मच जो आप लोग मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं
ये मेरा सौभाग्य है, आप सब मेरा परिवार, हमारा भारत परिवार। हम फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। सी यू सून, बाय बाय फ्रेंड्स। जय हिंद, भारत माता की जय। लव, ब्लेसिंग।